हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट थ्री स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज सो ये जो वीडियो है एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है इस पूरे यूनिट थ्री का इसके बाद हम लोग सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री एंड सेशन फोर करेंगे इस पूरे यूनिट का सो चलिए आज के इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को शुरू करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हमारा जो यूनिट है इस यूनिट के नाम का मतलब क्या है सो so, स्टोरेज का सिंपल सा मतलब होता है जब भी कोई रिटेल स्टोर अपने स्टोर में गुड्स या प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है उसे ही हम स्टोरेज कहते हैं एंड स्टॉक लेवल्स का मतलब होता है रिक्वायर्ड uh, लेवल में गुड्स या प्रोडक्ट को अपने रिटेल स्टोर में स्टोर करके रखना ताकि हम जो भी गुड्स uh, है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशेंटली उसे हम कंट्रोल कर सकें इससे क्या होता है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ओवर स्टॉकिंग को और अंडर स्टॉकिंग को ओवर स्टॉकिंग का मतलब होता है आपको जितने गुड्स की रिक्वायरमेंट थी आपने उससे ज़्यादा गुड्स अपने स्टोर में स्टोर करके रखा है एंड अंडर स्टॉकिंग इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है आपको जितने गुड्स की रिक्वायरमेंट थी आपने उससे कम ही गुड्स को अपने स्टोर में स्टोर करके रखा है ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग को चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लेट्स से हमारी एक सूज़ की शॉप है और हमें कम से कम दस स्नीकर्स जो कि वाइट होने चाहिए थे वो हमें अपने स्टोर में स्टोर करके रखना था बट हमने क्या किया बीस वाइट स्नीकर्स अपने स्टोर में स्टोर करके रखा सो हमने दस एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया सो यहाँ पे हो गया ओवर स्टॉकिंग एंड दूसरे वाले केस में क्या हुआ हमें दस वाइट स्नीकर स्टोर करके रखने थे अपने स्टोर में बट हमने पाँच ही स्टोर किए तो यहाँ पे हो गया अंडर स्टॉकिंग वन ऑफ द चैलेंजेस इन अ बिजनेस फॉर अ रिटेलर इज मेनटेनिंग स्टॉक लेवल सो इन रिटेल स्टोर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन स्टॉक लेवल हमें प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशेंटली मैनेज करना स्टॉक को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है एक रिटेलर के लिए द नीड ऑफ इन्बेंट्री कंट्रोल इज टू मेनटेन द स्टॉक ऑफ गुड्स एज लो एज पॉसिबल बट एट द सेम टाइम मेक दैम अवेलेबल एज एंड वैन रिक्वायर्ड सो बेसिकली इस पॉइंट में दो बातें बताई गई हैं पहली ये आपको जितना हो सके उतना कम प्रोडक्ट अपने रिटेल स्टोर में स्टोर करके रखना है एंड सेकेंड ये बोला गया है कि आपको एटलीस्ट इतने गुड्स को स्टोर करके रखना है जब कोई कस्टमर आपके स्टोर पे वो परचेज करने आए तो हम उसे अवेलेबल करा सके। इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रन अ रिटेल यूनिट सक्सेसफुली और रिटेलर हैज़ टू डिटरमाइन वेरियस स्टॉक लेवल्स प्रोवाइडिंग ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग सो so बेसिकली अगर हम प्रॉपरली स्टॉक लेवल को मैनेज करके चलें सो so ये हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी इन्वेंट्री को स्मूथली मैनेज करने में और उन बिजनेस को स्मूथली uh, चलाने में दीज लेवल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द कस्टमर्स डिमांड एंड टू सेटिसफाई देयर नीड्स सो ये जो भी ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग लेवल होते हैं ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर सके एंड उनको सेटिस्फाई कर सके इट ऑल्सो इनेबल टू अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री सो ये बिजनेसिस को ऑल हेल्प करती है अननेसेसरी uh, की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेंट्री में होता क्या है अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को ओवर स्टॉकिंग करके रखेंगे तो so उससे हमारा जो भी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा उनको देखने का उनकी सेफ्टी का कॉस्ट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा उन उनपे सो so, हमारी केयरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है सो इससे बिजनेसिस को लॉस होता है सो so, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेंट्री में करते हैं इन्हें अवॉइड करने में भी बिजनेसिस को हेल्प मिलती है इसके थ्रू सो so, चलिए एक ओवरव्यू ले, ले लेते हैं आखिर आने वाले हम चार सेशनों में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं द फर्स्ट सेशन डील्स विद द मेंटेनिंग स्टॉक लेवल्स इन इन रिटेल स्टोर्स सो बेसिकली इन फर्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे स्टॉक uh, लेवल को मेंटेन किया जाता है एक रिटेल स्टोर में द सेकेंड सेशन इज डेवोटेड टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉक हैंडलिंग सो सेकेंड सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं स्टॉक हैंडलिंग के टाइम पे एक रिटेल स्टोर में एंड द थर्ड सेशन एक्सप्लेन्स अबाउट द रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेस। सो थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेस के बारे में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एंड द फोर्थ सेशन डिस्कस हैंडलिंग हैंडलिंग्यूपमेंट्स एंड फोर्थ सेशन में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी इक्ुपमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी एंड इफ इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है आप लोगों की सो so प्लीज़ इस वीडियो को लाइक like करना एंड हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि ये थोड़ी हेल्प उनकी भी हो जाए एंड डू यू वांट कि हम लोग वीडियो थोड़ा और जल्दी अपलोड करें सो so प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम थोड़ा मोटिवेट हो सकें एंड और जल्दी जल्दी वीडियोज़ को अपलोड करने की हम लोग कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच वंस अगेन